अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर सिक्स मरहले के क्वार्टर फाइनल मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को इब्रतनाक शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जी नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग ने कमाल कर दिया और बांग्लादेश की पूरी टीम को 150 रन पर ऑल आउट कर दिया। नाज़रीन, अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं, अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेम मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी नाज़रीन, यहां पर आपको बताते चले कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुकर्रर 40 ओवर खेल सके जिसमें सिर्फ 155 रन बना सके और पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई। इस तरह नाज़रीन क्वार्टर फाइनल मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बिल्कुल फ्लॉप रही। लेकिन नाज़रीन, अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग लाइन की, तो नाज़रीन नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह एक बार फिर क्वार्टर फाइनल मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से हीरो साबित हुए, क्योंकि नाज़रीन उबैद शाह ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुशायरा किया और उन्होंने 5 विकेट हासिल करके मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। जी नाज़रीन, उबैद शाह की शानदार बॉलिंग का देखकर भारतीय मीडिया भी उबैद शाह की तारीफ करने पर मजबूर हो गया, जबकि नाज़रीन मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने भी उबैद शाह की तारीफों के पुदे बांध दिए। दोस्तों, अगर आपको भी उबैद शाह की बॉलिंग पसंद आई है, अगर आप भी उबैद शाह के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आपको फौरी तौर पर देखने को मिलती रहे। नाज़रीन, याद रहे अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ होगा। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में शिकस्त पाएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दें।